आईदान यहाँ पे युवराज जी के साथ में बैठा है, कई बार सेवाएं देता है, यहाँ से कुछ वित्तीय मैनेजमेंट होता है, और परिवार में मेरे हिसाब से पहली नौकरी है ना, पहली नौकरी है परिवार से भी, और साथ साथ में कंप्यूटर सीनियर और जूनियर दोनों में सिलेक्शन हुआ, एक साथ ही हुआ है, ठीक है। और आज पहला अवसर है कि मंच पे बोलेगा तो पैर भी कांपेंगे, होठ भी कांपेंगे, बोलना चाहेगा वो शायद बोल नहीं पाएगा, लेकिन भावनाओं का सम्मान करना, ठीक है। तो जैसा कुछ आ रहा है वैसा थोड़ा 2 मिनट बता दें इनको। आदरणीय गुरुदेव गणपत सिंह जी और युवराज सिंह जी यहाँ पर विराजमान, मेरे तमाम गुरुजन और भावी शिक्षक आप। मेरी जर्नी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो सरकारी स्कूल में ही हुई। मैं एक बार 9वीं क्लास में जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था, उसके बाद में मैंने 12वीं करने के बाद में गांव में कॉलेज थी इसलिए मैंने BCA किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। मुझे कुछ पता नहीं था कि इसकी जॉब कहाँ मिलेगी मुझे, किस प्रकार से। उसके बाद मेरा एक दोस्त MSc कर रहा था इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस में MSc कर दी, और उसके बाद मैंने कैन इंडिया के अंदर एक इंटरव्यू दिया जहाँ मेरा सिलेक्शन फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में हुआ। और मैंने अपने पिताजी को फ़ोन किया कि बधाई दे दो कि सिलेक्शन हो गया। तो मैंने पिताजी को पूछा कि पापा मेरा सिलेक्शन है कंपनी के अंदर हो गया, तो पापा ने एक ही कहा, नौकरी प्राइवेट है गवर्नमेंट रही है, मैं प्राइवेट है तो अपने करनी को। तो उसके बाद में मेरे गुरुजी थे लव कुमार जी सोनी, जो अभी वाणिज्य कर विभाग में लगे हुए हैं, और मेरी वहाँ भाई साहब काम कर रहे थे, इन फर्म के काम से कुछ गया था, तब उन्होंने मेरे को कहा कि क्या कर रहा था। मैंने कहा मैं पंचायत समिति में अभी कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने सीधा 2-3 मेरे को कहा भी ये ज़िंदगी भर टाइपिंग करते रहोगे, ऐसे करते रहोगे, कुछ होना नहीं है। सीधा युवराज जी को फ़ोन किया, मैं जानता भी नहीं था सक्सेस पॉइंट कहाँ है, और बाकी किसी कोचिंग के बारे मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। युवराज जी को कहा कि मैं एक विद्यार्थी स्टूडेंट भेज रहा हूँ, उसे आप किसी भी बैच में बिठा देना। तो मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानता हूँ, एक हिंदी में शब्द है अंतेवासी, तो आदरणीय गुरु जी गणपत जी मुझे वहाँ मिले, और मैं हमेशा इनके चरणों में रहा। और मुझे सपोर्ट करने वाले बड़े भाई का हो या अभिभावक का हो, जहाँ कहीं भी मैं कमज़ोर हुआ मुझे युवराज जी जैसे व्यक्ति मिले। और मैंने धीरे धीरे पढ़ाई शुरू किया, मुझे इस मैं कंप्यूटर साइंस से था, और पहले 10वीं तक तो ऐसे ही पढ़े थे, सीधी सी बात है, कोई नॉलेज ज़्यादा था नहीं। तो फिर मैंने धीरे धीरे हाईकोर्ट LDC की एक वैकेंसी, प्रेमनाथ और हम एक ही बैच के, पटवार पे ही की, दोनों ने तैयारी साथ में की और हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं प्री क्लियर हो गया था मेरा कंप्यूटर और गणित के आधार पे, बाकी मुझे कुछ आता नहीं था। और मैं पटवार प्री और मेंस देकर आया और फेल हो गया, इतना निराश हुआ, तब भी मेरी शक्ल देख के सर जान गए थे। तभी उन्होंने कहा आयदन क्या हुआ, मैं सर फेल हो गया, मैं तो ऐसी नौकरी नहीं लगती है। मैं ठीक है, पहले पहले चांस में आपका सिलेक्शन नहीं होता है। और युवराज जी हमेशा मेरे साथ, किसी भी जैसे चेहरा देख के आदमी पता चल जाता है किस टेंशन में वो है। तो मैंने उसके बाद में हाईकोर्ट LDC की तैयारी की, और मैंने दोनों पेपर जो पेपर होता है उसको पास किया, और मैं टाइपिंग टेस्ट देकर फेल हो गया। और उसके बाद जैसे ही मैंने एक कंप्यूटर क्षेत्र की वैकेंसी आई थी, तो राजस्थान में 49 पोस्ट थी कोपा की करके, और जूनियर इंस्ट्रक्टर जो अभी मैं पोस्ट में सेलेक्ट हुआ हूँ उसी की थी, और उसमें मैं 1.5 नंबर से रह गया। और उसके बाद LDC की वैकेंसी आई 2018 के अंदर, तो मैंने पेपर क्लियर किया और टाइपिंग में मैं फेल हो गया। और जैसे ही कोरोना काल आ गया, और उस समय एक ऐसा दौर आया कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए कुछ राजस्थान सरकार में हलचल शुरू हुई, तो गणपत जी सर ने मुझे कहा कि आयदा ये भर्ती मुझे थारो सिलेक्शन नहीं हुआ तैम बोरे ही उपड़े है वो। फिर उस दिन से मैंने ठान लिया कि मुझे किसी भी हालत में ये वैकेंसी निकालनी। तब जैसे ही मैं तैयारी शुरू करी तो पटवार की वैकेंसी आ गई, और मैं पटवारी की तैयारी करने लग गया, और पटवारी में मेरा 2 गुना में सिलेक्शन हो गया। और अंतिम आरक्षण की वजह कह सकता हूँ, या मेरी कहीं ना कहीं कमजोरी रही है, या मैंने एक दो सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, उस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन इतना मैं, ये घटना मेरी जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहा था उससे 15 दिन पहले की है, और तब मैं अपनी शक्ल सर को दिखा नहीं पाया था कि बार बार फेल हो रहा हूँ, वह कैसे जाऊँ। तो युवराज जी सामने बैठा गया इधर इधर आ, तो फिर मेरे को मोटिवेट किया। और उसके बाद अब मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इन तमाम गुरुजनों को मेरी दोहरी सफलता भेंट के रूप में स्वीकार करता हूं, और मेरे जैसा विद्यार्थी,
मेरे जैसे विद्यार्थी जिसका कभी कंपटीशन से लेना देना ही नहीं था, उसे आज सक्षम बना दिया और मैं आपके सामने खड़ा हूं और इस मंच पर पहली बार बोल रहा हूं। और ये एक ऐसी बात है कि यहाँ से फोटो खींचना हम छुप छुप के खींचते थे और दिखाते नहीं थे किसी से। आज ये मेरे लिए मौका है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके सामने और ऐसी दुआ करता हूँ कि आप लोग भी संस्थान पे विश्वास करें और जो चीज़ आपको बताई जा रही है और अगले साल शिक्षक दिवस आप शिक्षक के रूप में मनाए ऐसी मेरी कामना है।